देखिए, एक करेक्ट फार्मूला मस्ट ऑलवेज कन्फर्म टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेसिकली इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था, ऑप्शंस थे, वो यही थे कि करेक्ट फार्मूला तो ऑलवेज कन्फर्म टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो जॉल डॉल्टन का था। ए कंपाउंड वॉज फाउंड टू कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन देयर रेशियो 28 ग्राम 80 ग्राम, द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो बेटा देखो, सीधी सादी बात है, ऑप्शन ए एनओ तो नहीं हो सकता, लास्ट वाला N2O5 होगा। क्योंकि देखो, एक नाइट्रोजन का मास 14 है, दो का 14 × 2 = 28 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 × 5 = 80 हो जाएगा। व्हेन बीटा पार्टिकल आर सेंट थ्रो दिस थिन मेटल फिल्म, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रो द फॉयल हैज। ऑप्शन ए कह रहे हैं बीटा पार्टिकल्स आर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, सवाल ही पैदा नहीं होता, सेम चीज़ होती है, बीटा पार्टिकल आर पॉजिटिव ही नहीं जी। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज़ वेरी एम्प्टी, यस ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ M2+ ion इज 2, 8, 14 एंड द एटॉमिक वेट इज 56 एटमोस्फेयर, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस आर। तो बेटा देखो, पहले तो देखो कि 2, 8, 14 का मतलब है 24। 24 इलेक्ट्रॉन बचे M+2 में दो इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद, इसका मतलब है ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन 26 थे, या कह लो 26 प्रोटॉन है और मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है वो 56 है। तो न्यूट्रॉन क्या होंगे, 56 में से 26 माइनस कर लो, आंसर 20 आ 30, ठीक है, ऑप्शन